नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, साल 2018 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल करवा चुका हूं। और फ्रेंड्स, इनमें से मेन मेन टॉपिक्स हैं जो नई नियुक्तियां हुई हैं साल 2018 में, उनमें से टॉप 25 सेलेक्टेड जो भी CM नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, राज्यों के राज्यपाल चुने गए हैं, या फिर गवर्नर हो RBI का, या फिर UPSC अध्यक्ष हो, इन सभी का एक वीडियो मैंने टॉप का बना दिया है। और फ्रेंड्स, और भी नए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इस साल, उनका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और जो भी पुस्तकें इस साल चर्चित हुई, जो भी पुस्तकें जो कि RPF के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारी पूछी जा रही हैं, पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, जो शहरों के नाम चेंज हुए हैं इस साल, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, रायपुर का चेंज हुआ है, अटल नगर कर दिया, फैजाबाद का कर दिया अयोध्या, इनका एक पूरा वीडियो एयरपोर्ट्स के और शहरों के नाम बदले हुए के एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, जो भी पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं, उनका भी वीडियो मैं अभी अभी अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं इस साल स्पोर्ट्स के टॉप टॉप करंट अफेयर्स। शुरुआत में टॉप 20 कवर किए गए हैं और आखिर में डिटेल से बताया गया है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत में टॉप जो मेन मेन करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं, आखिर में इनका डिटेल देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप इसी साल हुआ था 2018 में, रूस में आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये किसने जीता था? सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन बनता है, किसने जीता? ये जीता था फ्रेंड्स फ्रांस ने। और फ्रांस ने फाइनल में किसको हराया था? क्रोएशिया ने हराया था। और भी काफ़ी सारी डिटेल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियो के लास्ट में पूरी डिटेल दे दी जाएगी आपको। और फ्रेंड्स, इस साल IPL किसने जीता था? IPL 2018 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद की टीम को हराया था। तो फ्रेंड्स, दोनों ही साउथ की आसपास की टीम में थी, जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, इसमें ये आसपास की इस साइड की टीम में थी दोनों ही। फाइनलिस्ट पूछ लेते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में, और जीता इनमें चेन्नई था। ये भी इसकी भी पूरी डिटेल IPL की आपको दे दी जाएगी वीडियो के लास्ट में। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 66 पदक जीते थे, जिनमें से 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 कांस्य पदक। और फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेलों की भी पूरी डिटेल वीडियो में, इस वीडियो में अवेलेबल की जाएगी। शुरुआत में तो जो टॉप टॉप के क्वेश्चन है, टॉप 20, वो मैं आपके लिए दोहरा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगला है, एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो फ्रेंड्स, एशियन गेम्स में जीते थे 69 मेडल्स, और जिनमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज थे। और एशियन गेम्स में भारत का स्थान क्या रहा? 8वां स्थान था, 8th पोजीशन थी एशियन गेम्स में। अगला फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट, हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 2018 का, इसी साल कुछ ही दिन पहले आयोजित हुआ था ये, जो कि भारत में आयोजित हुआ था, भारत में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। बेल्जियम इसका विजेता रहा था, बेल्जियम ने फाइनल में हराया था नीदरलैंड्स की टीम को, 3-2 से हराया था। इसके बारे में हालांकि यही डिटेल दे दी गई है आपको काफ़ी सारी। हॉकी विश्व कप 2018 किस शहर में हुआ? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर शहर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एशियाड 2018 किस देश में हुए? एशियन गेम से संबंधित सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडोनेशिया में हुए थे ये एशियाई खेल। और कौन कौन से शहरों में? पहली बार 2 शहरों में हुए थे इस बार एशियन गेम्स, पालेमगांव और जकार्ता। और फ्रेंड्स, अगला, यूथ ओलंपिक आयोजित हुए इसी साल, काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है ये। यूथ ओलंपिक में 2018 कहाँ पर हुए? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुए थे। और ये कब से कब तक आयोजित हुए? 6 से 18 अक्टूबर तक। आजकल कई सारे एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं कि कब से कब तक ये फलाना टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित हुआ, तो 6 से 18 अक्टूबर तक। यूथ ओलंपिक में, युवा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? रूस ने। और ये मेडल्स दे रखे हैं, 59 मेडल हैं, जिनमें 29 गोल्ड, 18 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज हैं।
और फ्रेंड्स यूथ ओलंपिक में भारत का परफॉर्मेंस भी दे रखी है। ये यूथ ओलंपिक में भारत के कुल पदक थे 13, 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, और इसमें भारत का स्थान था 17वां। तो फ्रेंड्स इसकी तो पूरी डिटेल आपको इस टूर्नामेंट की दे दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स कवर कर लिए हैं, और भी टूर्नामेंट्स की डिटेल देंगे आपको। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उससे अगला टूर्नामेंट जो संबंधित क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से ये अगला क्वेश्चन है, अगले यूथ ओलंपिक 2022 में कहाँ पर होंगे? इस साल यूथ ओलंपिक 2018 के कहाँ पर हुए? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, और अगले होंगे सेनेगल की कैपिटल डकार में। डकार वो स्थान है जहाँ पर अगले यूथ ओलंपिक आयोजित होंगे। और फ्रेंड्स मनु बाकर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस इन खेलों में, वो ही ध्वजवाहक थी इन खेलों में, मेडल जीता शूटिंग में। मनु बाकर का संबंध शूटिंग खेल से है। और फ्रेंड्स हॉकी विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन थे? हॉकी विश्व कप इस साल भारत में आयोजित हुआ, तो इसमें हॉकी टीम के कप्तान आपको पता होना चाहिए, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 6 बार के बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन है? ये है मैरी कॉम। 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियनशिप विजेता हैं, वर्ल्ड चैम्पियन 6, अब तक इनको 5 बार का वर्ल्ड चैम्पियन गिना जाता था। जब भी कोई इवेंट होता वहाँ पर इनको इस नाम से संबोधित किया जाता था कि ये 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है। तो फ्रेंड्स ये 6 हो गया, ये अपडेट कर लीजिए, 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन हो गई एम सी मैरी कॉम। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 का किन को मिला है? फ्रेंड्स ये अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल था, यहाँ भी शामिल है, विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला है ये अवार्ड। फ्रेंड्स विराट कोहली तो सभी को पता होगा क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। काफ़ी सारी चानू सरनेम वाली काफ़ी सारी प्लेयर्स इसी गेम से जुड़ी हुई हैं, इसी गेम से फ्रेंड्स कर्णम मल्लेश्वरी और बहुत सी खिलाड़ी रही हैं जिनका नाम काफ़ी फेमस रहा है भारत में। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था ओलंपिक में। और फ्रेंड्स अगला नाम है, इस वर्ष बजरंग पुनिया किस बार वर्ग में नंबर एक पहलवान बने? 65 किलोग्राम बार वर्ग में दुनिया के नंबर एक पहलवान बन गए थे बजरंग पुनिया, और इस बार उन्होंने एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है बजरंग पुनिया ने। कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हरियाणा से आते हैं, और ये विश्व चैंपियंस में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं बजरंग पूनिया किसी एक विश्व चैंपियनशिप में। और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर T20 में शतक लगाने वाली, अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात हो रही है। और फ्रेंड्स ICC हॉल ऑफ फेम में जब भी कोई खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ी शामिल होता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार, तो ये राहुल द्रविड़ 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। राहुल द्रविड़ ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। फ्रेंड्स टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल भर, तो मेन ये 4 आपके लिए मेन रहते हैं ग्रैंड स्लैम, इनको याद कर लीजिए, ये सबसे ज़रूरी रहते हैं, इनके पूछे जाने के 100% चांसेस रहते हैं। और पहला इनमें साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में आयोजित होता है, तो इस बार 2018 का जीता था रोजर फेडरर ने जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। और फ्रेंड्स महिला एकल का कैरोलिना वोजनियाकी ने जीता था जो कि डेनमार्क की हैं। और फ्रेंड्स ये सभी विजेताओं के नाम हैं, इनमें सिमोना हालेप का देश नहीं लिख रखा, ये रोमानिया की है, रोमानिया की सिमोना हालेप ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का जीता है। राफेल नडाल ने स्पेन के हैं, उन्होंने पुरुष एकल का जीता है। और फ्रेंड्स अगले 2 टूर्नामेंट तो दोनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, US ओपन और विंबलडन ओपन, ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है US ओपन। और फ्रेंड्स महिला एकल के विजेता भी लिख रखा है, और नाओमी ओसाका ये जापान की ओर से पहली खिलाड़ी बन गई हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस का जीतने वाली। फ्रेंड्स ये 4 मेन टूर्नामेंट रहते हैं टेनिस में, बस इनको याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और क्रिकेट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7वीं बार
भारत ने कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है, 7वीं बार एशिया कप जीता है। हालांकि काफ़ी साल बाद कोई बड़ा वनडे क्रिकेट में कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है भारत ने। जीतने के लिए भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को फाइनल में 3 विकेट से हराया था दुबई में। ये एशिया कप इस साल जीता है भारत ने, ये भी ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट। और फ्रेंड्स, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, भारतीय वनडे टीम के कप्तान विराट कोहली को। और फ्रेंड्स, आईपीएल 2018 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को। और आईपीएल मैंने बताया, यह चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है सनराइजर हैदराबाद को हराकर इस साल। और ये फ्रेंड्स फीफा वर्ल्ड कप 2018 की पूरी डिटेल रही। आपको राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स की भी इसी तरह डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। तो ये 21वां फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता? फ्रांस ने जीता, पहले बता चुका हूँ, क्रोएशिया को फाइनल में हराकर। और ये कहाँ पर हुआ था 21वां फीफा विश्व कप? किस स्थान पर आयोजित हुआ, किस देश में आयोजित हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। और अगला 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा वो कतर में होगा। तो हर एक टूर्नामेंट का आपको पता होना चाहिए कि अगला टूर्नामेंट 2022 का, जिस तरह से इस बार यूथ ओलंपिक हुए तो डकार में होंगे जो कि सेनेगल की राजधानी है। और फ्रेंड्स, इसी तरह एशियन गेम्स का भी पता होना चाहिए 2022 में, और राष्ट्रमंडल खेलों का आगे भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। आपको एशियन गेम्स चीन में होंगे, हांगजाओ शहर में। और फ्रेंड्स, गोल्डन बूट अवार्ड, सर्वाधिक 6 गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? इसमें हैरी केन इंग्लैंड के 6 मैचों में 6 गोल किए। गोल्डन बॉल अवार्ड होता है एक फीफा वर्ल्ड कप में, ये इनको लुका मॉड्रिच को मिला। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड गोलकीपर को मिलता है, ये इनको मिला है थिबोट कर्टोइस को। फ्रेंड्स, फीफा विश्व कप का आयोजन 14 जून से 15 जुलाई के बीच हुआ, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे एंटोनियो ग्रीजमैन, और 4-2 का अंतर था फाइनल मैच का। और फ्रेंड्स, बीच में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है मैंने, विश्व स्तर पर ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी 400 मीटर में, और इन्होंने 51.46 सेकेंड में अपनी रेस पूरी की थी, 51.46 सेकेंड में। हिमा दास, हिमा दास का नाम याद रखिए आप 400 मीटर की दौड़ में। और फ्रेंड्स, फेयर प्ले ट्रॉफी मिली थी स्पेन को, सर्वाधिक गोल किए थे बेल्जियम ने। और इन खेलों का शुभंकर था जब्बी वक्का, जो कि एक बेडिया है। और लुज हनिकी स्टेडियम, इस मॉस्को का स्टेडियम है, यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। और फ्रेंड्स, मॉस्को किस देश में है? वहीं पर इसका आयोजन रूस में है, तो रूस में इसका आयोजन हुआ था। फ्रांस कितनी बार फीफा विश्व कप जीत चुका है? 1998 में जीता था, इस साल जीता है, 8-8 दोनों सालों में आ रहा है लास्ट में। 32 टीमें इस बार भाग लिया था 32 टीमों ने। और प्रयुक्त फुटबॉल का नाम था टेल स्टार 18, 2018 का साल है तो 18 का साल था ये। और फ्रेंड्स, ये एशियन गेम्स 2018 के बारे में डिटेल है। 2018 में 18वें एशियन गेम्स आयोजित हुए हैं, और पहली बार 2 शहरों में आयोजित हुए, पहले बता चुका हूँ, जकार्ता और पालेम गांव में, इंडोनेशिया के ये शहर हैं। और 2022 में ये खेल होंगे हांगजाओ चीन में, 2014 में इंचियोन में हुए थे साउथ कोरिया के। और फ्रेंड्स, 8वां स्थान था इनमें 2018, 18वें एशियन गेम्स और 8वां स्थान, 8-8 का मैचिंग मिल रहा है। और फ्रेंड्स, ये हैं टॉप 4 कंट्रीज इन गेम्स में परफॉर्म करने वाले। पहले स्थान पर चीन, सेकंड जापान, थर्ड दक्षिण कोरिया, और मेज़बान इंडोनेशिया 4थे स्थान पर। अक्सर मेज़बान की रैंक पूछ ली जाती है, तो ये थी 4थी रैंक थी इसकी। और फ्रेंड्स, भारत के मेडल लिख रखे हैं ये, 69 मेडल हैं, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। और फ्रेंड्स, पहली बार 3 मस्कट थे इसके, 3 शुभंकर थे, बिन बिन काका और अतुंग थे। और फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आयोजित हुए। और विनेश फोगाट पहली महिला पहलवान बन गई हैं, पहलवान महिला जो जिसने गोल्ड जीता, विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर्स, ये दंगल मूवी में जो गीता पबीता फोगाट थी उनकी छोटी बहन है। और फ्रेंड्स, पहला स्वर्ण पदक जीता बजरंग पुनिया ने। नीरज चोपड़ा इस बार ध्वजवाहक थे, भारत के रानी रामपाल जो समापन समारोह है उसमें ध्वजवाहक थी। और फ्रेंड्स, एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते, कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक जीते बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। और फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा का नाम काफ़ी चर्चित रहा इस साल, इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया, नहीं, लेकिन इनको नहीं मिला, वो मिला
विराट कोहली और मीराबाई चानू को। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता था, और राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये काफ़ी चर्चित रहे थे, गोल्ड मेडल जीता। और फ्रेंड्स, सौरभ चौधरी ये किस खेल से संबंधित है? हालांकि यहाँ से इंट मिल रहा होगा वो आपको पूरा पूरा। ये इस खिलाड़ी ने यूथ ओलंपिक में भी मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, और भारत के सबसे युवा एशियाड स्वर्ण विजेता बन गए हैं सौरभ चौधरी। इनका संबंध बताना किस खेल से है कमेंट्स में लिखकर बताना है। और फ्रेंड्स, एशियन गेम्स की इस बार की थीम थी एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ, और पहली बार कोई महिला खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुनी गई, ये रिकू को इक्की है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम ध्यान रखिए आप। अमित पंघाल पहले मुक्केबाजी में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है इसने। और ये दोस्त हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में सही जवाब दिए, रिंकू शर्मा। और रिंकू शर्मा के काफ़ी सारे मैसेज हैं, सोना मलान और आदिल खान के भी मैसेज मुख्य हैं इनमें। और रंजना सिंह हैं, सपना त्यागी हैं, और चित्रा हैं, MD आलम है, एक अनिल। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत